Venomous black mamba also moves well in trees. It's Africa's longest venomous snake and can reach an impressive 4 meters. The snake world land speed record. Divya, Divya. Zips along at nearly 19 kilometers an hour, fast enough to overtake someone running. Divya, diya kahan hai?
दिव्या, दिव्या बेटी, बेटा एक बुरी खबर है। अदिति को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। अदिति कौन? आप कौन? दिव्या, हम बोल रहे हैं। माँ कौन? माँ क्या हुआ? पता नहीं, बड़ी अजीब सी बातें कर रही है। कह रही है कौन माँ, कौन अदिति? माँ, रॉन्ग नंबर लग गया होगा। आप फोन काट कर दोबारा ट्राई करें। अदिति माँ जी, अदिति दिया की जान खतरे में है। डॉक्टर कहाँ है? आज तो सभी डॉक्टर स्ट्राइक पर हैं, बस सिर्फ एक ही डॉक्टर आए हुए हैं, वो भी ऑपरेशन थिएटर में है। डॉक्टर! कुछ नहीं होगा दिया, कुछ नहीं होगा। पापा तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे दिया। बचा लीजिए हमारी दिया को। सिंदूरा भोली बनना बंद करो। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि तुमने क्या किया है। अदिति और मुझे पहले ही शक था कि तुम इतनी मीठी क्यों बन रही हो। आज अगर अदिति जेल में है, उसमें तुम्हारा ही हाथ है। ये क्या कह रहे हैं आप अनिकेत? मैं अपनी ही बहू के साथ ऐसा क्यों करूंगी? प्लीज सिंदूरा, नाटक बंद। आप ये क्या कह रहे हैं? माँ ऐसा क्यों करेगी? भारत, तुम मुझसे पूछ रहे हो माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम जानते हो कौन है ये सिंदूरा है? ये क्या कर सकती है? कई बार इसने हमारे परिवार को तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया है, और आज भी ये यही करना चाहती है। बस पापा, बस कीजिए। आप अभी तक अतीत की बातों पे ही अटके हुए हैं। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं पापा, माँ बदल चुकी है। न जाने कब आप ये स्वीकार करेंगे कि सिंदूरा सिंह वो सिंदूरा सिंह नहीं रही हैं। आप उन्हें एक नई जिंदगी जीने का मौका ही नहीं दे रहे। मैं ये चाहता हूं पापा कि आज से आप माँ पर पूरे यकीन कीजिए, उन पर शक करना छोड़ दीजिए। और रहा सवाल खाने में जहर मिलाने का, तो वो तो मैं पता लगा कर रहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी भारत। मैं जानती थी कि तुम मेरे खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, चाहे फिर वो
तुम्हारे अपने पिता के मुंह से क्यों ना निकले। Now, that's like my son. हमारी दिया को बचा लीजिए, हमारी दिया को बचा लीजिए। अगर हमसे कोई भी गलती हुई तो हमें सजा दीजिए, हमारी दिया को नहीं। आज पहली बार हमारा परिवार पूरा हुआ है, हमें इससे वंचित मत कीजिए, दिया को बचा लीजिए। डॉक्टर, दिया कैसी है? आप चिंता मत कीजिए, अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू वेरी मच। पर ये हादसा हुआ कैसे? इट्स ओके मिस्टर अमर, आगे से आपको और आपकी पत्नी को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अगर कहीं थोड़ी सी देर हो जाती तो उसकी जान जा सकती थी। सो हेंसफोर्थ टेक केयर, बाय। मुझे लगता है मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं माँ, क्या कह रही है, कहाँ जाएंगे आप? नहीं भारत, हर कोई इस घर में मुझे शक की निगाह से देखता है। हर कोई यही सोचता है कि मैं वही पहले वाली सिंदूरा हूँ। और क्यों ना सोचे, मुझे सजा मिलनी थी अपने गुनाहों की। अच्छा हुआ था मेरे साथ, बहुत अच्छा हुआ था मेरे साथ। नहीं नहीं माँ, भला मुझसे ज्यादा बदकिस्मत बेटा कौन हो सकता है माँ, जिसने जीवन देने वाली माँ के साथ ही ऐसा। माँ माँ, भगवान ने मुझे अपने पापों के प्रायश्चित करने का एक मौका दिया है, वो मौका मुझसे मत छीनिए प्लीज। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा माँ। आपका बेटा आपसे वादा कर रहा है। हाँ। मैं तुम्हारे मन की बात समझती हूँ भारत, लेकिन इस घर में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। अब तुम्हारे पापा ही देख लो, वो आज भी मुझे शक की निगाह से देखते हैं। मुझे तो डर है कि जब दिव्या वापस आएगी तो वो भी मेरे बारे में कुछ ऐसा ही सोचेगी भारत। ऐसा क्यों सोच रही है माँ आप? दिव्या भाभी की आपके लिए राय क्यों नहीं अच्छी होगी? आपने दिव्या भाभी के लिए क्या क्या नहीं किया? आपने उनकी जान बचाने के लिए आप अंगारों पे चली, आपने निर्जला व्रत रखा है, उनकी जान बचाने के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? भारत, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब ये बात मन में भी नहीं रखी जाएगी। भारत, मुझसे अदिति ने कहा था, उसने कहा था कि जब दिव्या वापस लौटेगी तो वो दिव्या की कोमा में जाने का इल्जाम मुझ पर लगाएगी। माँ, आपको गलतफहमी हो रही होगी, ऐसा अदिति आपके बारे में ऐसा कभी नहीं कह सकती है। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ। मैं जानती हूँ भारत कि अदिति को तुम्हारे मन से एक झटके से बाहर निकालना नामुमकिन है, इसलिए जहर का ये बीज आज मैंने बो दिया है। अब ये आगे आके अपना रंग खुद दिखाएगा।
हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? क्यों गए थे हमें अकेला छोड़कर? हम कितना डर गए थे, आपको कोई फिक्र नहीं इस बात की? हम अस्पताल गए थे। अब बच्ची को अकेले कैसे छोड़? तो हम कह रहे हैं आपसे, कैसे आप हमें बार बार अकेला छोड़ सकते हैं? आपको कोई फिक्र नहीं हमारी बेबी की, कोई फिक्र नहीं है आपको? आप मेरी फिक्र करें ना करें, कम से कम हमारी बेबी की तो फिक्र कीजिए आप। हमारी बेबी जो मेरे पेट में पल रही है, हमारा बच्चा, ये हमारा बच्चा है, आपको इसकी फिक्र होनी चाहिए, इसकी फिक्र होनी चाहिए आपको अमर। ये हमारा बच्चा है, हमारे प्यार की निशानी, हमारा बेबी है ये। लेकिन नहीं, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है इस बेबी की, आप तो बार बार अकेला छोड़कर जाते हैं हमें। दिव्या को कुछ भी याद नहीं? क्या वो हमारी दिया को भी भूल गई है?